गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका आज तहे दिल से स्वागत है स्पेशल इस लीप प्रोग्राम में। लीप के स्पेशल प्रोग्राम में आज आप बहुत कुछ जानेंगे हमारे मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर की सफलता की कहानियों के बारे में और कहाँ कहाँ मोदी केयर जा रहा है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम रुचिका है और डायमंड डायरेक्टर हूँ। जब इस बिजनेस में नहीं आई थी उससे पहले एक सिंपल सी होममेकर हुआ करती थी और इस होममेकर का काम था घर का ध्यान रखना। इस बिजनेस को आई समझा तो समझ में आया कि इस बिजनेस से तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। बस दोस्तों, सफर शुरू किया और इस बिजनेस में नाम और पहचान बनाने नहीं आई थी, इस बिजनेस में आई थी अपने हस्बैंड का राइट हैंड बनने, उनका एक कमाने वाला हाथ बनने के लिए आई थी। और देखो दोस्तों, वो मेरा सपना पूरा हो गया। 3 फॉरेन ट्रिप्स इस बिजनेस से ले चुकी हूँ, एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, वही उनकी सैलरी से गिफ्ट किया करती थी कुछ कुछ उन्हें, तो उन्हें कार की चाबी मोदी केयर से गिफ्ट करी। दोस्तों, एक जमीन अपने नाम पर बुक कर चुकी हूँ और साथ के साथ इनकम की बात करूँ तो लेवल के साथ साथ इनकम जो मेरी है 1 लाख प्लस है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आज के सेशन में कुछ कुछ खास है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी केयर ना हर जगह नंबर वन है। अब ये मोदी केयर नंबर वन कहाँ कहाँ पर है जरा एक बार मेरी नजर से देखिए। तो मोदी केयर का प्रोफाइल सॉलिड है, नंबर वन। प्लान सॉलिड है, नंबर वन। इसके बाद प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग शानदार है, नंबर वन। यानी कि प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, प्लान, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, हमारा मोदी केयर मैनेजमेंट, मोदी केयर मैनेजमेंट तो गजब का है दोस्तों। इतना सपोर्ट मैंने आज तक किसी कंपनी में नहीं देखा। मेरे हस्बैंड भी जॉब में है लेकिन इतना सपोर्ट हमें किसी भी कंपनी में मैंने आज तक नहीं देखा जो सपोर्ट मोदी केयर मैनेजमेंट हमको देता है। तो दोस्तों, इसी सेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ ना, वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग आज नया देख रहे हो हमें, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये भारत की टॉप अर्नर है मोदी केयर में, 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाती है, स्मैक अचीवर है। दोस्तों, 1.25 करोड़ रुपए महीना समझते हैं ना आप? 1.25 करोड़ रुपए एक साल में लोग नहीं कमाते जो ये एक महीने में कमाती है। साथ ही साथ ये पूरे भारत के ना गुरु माँ भी हैं। आप जानते हैं गुरु माँ जो होती है, ये हमारी जो गुरु माँ है, ये हमारी होप को इंस्पायर करती है, हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करती है और हमें बहुत सारा प्रकाश देती है। पिछले 4 सालों से ये प्लेटफॉर्म, लीप प्लेटफॉर्म लगातार अविरल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम का। वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो वेरी मच रुचिका जी। और जब भी आपका इंट्रोडक्शन सुनती हूँ ना, तो मोदी केयर के लिए, भगवान के लिए और एक इंसान के सपने के लिए ना तहे दिल से शुक्रगुजार हो जाती हूँ, क्योंकि आप साबित करती हो कि सिंपल सी हाउसवाइफ अगर उसका सपना है तो कुछ भी कर सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि आज हम जानेंगे कि मोदी केयर हमें कहाँ लेके जा रहा है, तो मोदी केयर सिर्फ एक ही जगह लेकर के जा रहा है, हम सबके सुनहरे भविष्य की तरफ। इट्स सो अमेजिंग। जोरदार तालियां आपके लिए रुचिका जी बजाना चाहूंगी। और स्वागत है दोस्तों आपका लीप के आज स्पेशल स्पेशल सेशन में। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत कहते हैं ना कि पैर हमारे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आज जिस व्यक्ति को हम सुनने वाले हैं, जिस व्यक्ति से हम समझने वाले हैं, वो समीर मोदी जी के सबसे करीब हैं। समीर मोदी जी का उनपे विश्वास जो है वो बहुत बहुत इमेंस है, और कहने को बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट वो होल्ड करते हुए हमारे पास आए थे, पर जब यहाँ आए तो उन्होंने जो सबसे बड़ी जगह बनाई वो हम सबके दिलों में बनाई। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कॉरपोरेट लीडर की जो कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और जिन्होंने अपने छोटे से टेन्योर में सबसे बड़ी से बड़े चैलेंजेस भी देखे, तो बड़ी से बड़ी सफलता भी ला करके मोदी केयर को दिखाई है। एक तरफ अगर ऑफिसेज की बात करें, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें, अगर आप ऑफिसेज मतलब वेयर हाउसेस की बात करें, कस्टमर डिलाइट की बात करें, हर एक वो एक चीज जो हम सबके सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए, वो इनकी लीडरशिप में, मोदी केयर में खिलती चली गई है। पर इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, जो हमारी नजर से अगर देखें तो पता चलती है, वो ये है कि इनके टेन्योर में मोदी केयर लीडर्स के चेक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इनसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता हमें ये बताने के लिए कि मोदी केयर की प्लानिंग क्या है, मोदी केयर का आज क्या है, मोदी केयर का आने वाला कल क्या है, और हम किस सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं हमारे सीईओ मिस्टर राहुल शंकर की। दोस्तों, हम सब जने, मैं मोदी केयर के साथ फर्स्ट डे से हूं और मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीईओ देखे हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, पर मैं बहुत गर्व से कहती हूं
कि ये हमारे आज तक के बेस्ट सीईओ हैं, और जितना करीबी से, जितने कहते ना कि ये हमारे दिल के तो करीब हैं, ये जितना ये फील्ड पर हमारे साथ रहते हैं, जितना ये अपना विजन, समीर मोदी जी का विजन हमारे साथ शेयर करते हैं, जितना जितना जोश ये हमें भर करके रखते हैं, उस सब के लिए हम सही दिल से इनका सम्मान करते हैं। और आज ये ही हमारे साथ आज की मीटिंग में है, तो जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं श्री राहुल शंकर जी का। नमस्कार राहुल सर। थैंक यू सुरेखा जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग सब सर। लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी सुरेखा जी, और इतना अप्रिसिएशन आप कर देती हैं कि मतलब लगता है कि मतलब अभी दिल्ली में बरसात आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच एज यूजुअल, यू आर वेरी काइंड विद योर वर्ड्स, बट मैं सिर्फ इतना ही, आपने हम सबका प्यार और मान दोनों कमाया है, और ये बहुत बड़ी बात है सर। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, और जो मुझे पता है जो अभी ये सेशन होने वाला है, ये हमारे बिलीफ लेवल को, हमारे सपोर्ट सिस्टम की ग्रेटनेस को इतना इतना मतलब ट्रूली हमें बताने वाला है कि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत छप्पर फाड़ करके ऊपर जाने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सुरेखा जी, आप यू आर आवर टॉलेस्ट लीडर, सबसे आइकॉनिक लीडर हैं आप, एंड यू नो इट्स अ प्रिविलेज टू बी talking to you right now and to your all your followers. So and I think हमारा objective यही है इस वक्त के जो भी हमें सुन रहे हैं, you know, शायद कुछ value add हम कर पाएं during this discussion, this presentation. Definitely. That we are planning today. So मुझे लगता है कि this can be life changing for many people. Yes, sir. Because at this stage, जो डायरेक्ट सेलिंग जिस दौर से इस वक्त गुजर रही है, मेरा ये अपना मानना है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है, री इन्वेंशन का फेज है हमारी इंडस्ट्री के लिए, एंड अ कंपनी लाइक मोदी केयर, हमारी कंपनी, कंपनीज लाइक आर्स हैव टू लीड दिस फ्रॉम द फ्रंट, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड आई एम श्योर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई विल शेयर विद एवरीबडी, जो कुछ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, शायद उससे लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। सो दैट इज आई थिंक द ऑब्जेक्टिव। परफेक्ट सर, परफेक्ट, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, और मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि पूरी इंडस्ट्री से मुझे फोन आ रहे हैं, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि ये आप लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ टाइटल अचीवमेंट पे लोगों को श्रीलंका लेके जा रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद मोदी केयर। सो लेट मी टेल यू दैट यू नो द रीजन वाई दिस इज बींग डन इज बिकॉज हम जानते हैं कि अगले 6 से 8 महीने में किस तरह का एक्सप्लोजिव ग्रोथ इंडस्ट्री में आने वाला है, हमारे मोदी केयर के बिजनेस में आने वाला है, आप लोगों के चेक्स में आने वाला है, और उसी को एक्सेलरेट करने के लिए ये तड़का जिसको हम बोल रहे हैं तूफान 2024, ये हम लोगों ने लगाया है। सो आज हम तूफान के बारे में कुछ आपको रिजल्ट्स हम शेयर करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ ही हम आपको कुछ इंडस्ट्री का परस्पेक्टिव देंगे, बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दिशा क्या लग रही है, और मोदी केयर अपनी स्ट्रेंथ से क्या रोल प्ले करने वाला है इस इंडस्ट्री को और एक्सेलरेशन देने के लिए। सो आई एम श्योर यू आर ऑल वेरी इंटरेस्टेड टू नो सम ऑफ दीज डिटेल्स। सो आई एम गोइंग टू नाउ प्रोजेक्ट माय प्रेजेंटेशन सुरेखा जी। सो आई थिंक एवरीबडी नोज तूफान 2024 इज क्रिएटिंग तूफान एवरीवेयर, हर जगह तूफान का माहौल है। हमारा धनवर्षा प्रोग्राम, हमारा एग्जॉटिक श्रीलंका विदेश यात्रा, 2 crore leadership club, the agri extra BV promotion, all of this is creating lot of energy, lot of enthusiasm, aur main results kuch aap logon ke sath zarur share karna chahunga. So the start has been absolutely thumping, bahut hi zabardast shuruaat hui hai. New joinee, mera ye manna hai Surekha ji, new joinee hamare business ki currency hai, yani jab aapki team mein new joinee growth badhti hai to seedha aapka check badhta hai. This is the biggest currency that any direct selling business has. New joining ki 50% se vriddhi hui hai. There's been a 50% increase in number of new joinees in Modi Care in May over March. So aapko yaad dila do ki program humne April ke end mein shuru kiya tha, aur May ka jo hamara new joinee number hai wo 50% se badh gaya hai over March. Directors hamari second currency hoti hai, यानी डायरेक्टर टाइटल्स डिसाइड करते हैं कि आपके टाइटल्स, ऊपर वाले लोगों के टाइटल्स और चेक्स किस रफ्तार से बढ़ेंगे, और डायरेक्टर टाइटल्स में भी 50% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। सीनियर डायरेक्टर टू प्लैटिनम जो हमारा बिल्डर टाइटल्स हैं, यहां पर भी 50% की ग्रोथ हुई है, एंड द मोस्ट हार्टनिंग थिंग इज
जो डायमंड एंड अबव टाइटल्स है हमारे, डायमंड ब्लैक, डायमंड रेड, डायमंड एंड जीआरडीडी, उन टाइटल्स में 50% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है. सो दीज आर एब्सोल्युटली स्टार्टलिंग नंबर्स. मुझे नहीं लगता है पूरी इंडस्ट्री में एनी कंपनी टुडे वुड बी सीइंग दीज काइंड ऑफ नंबर्स. वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में किस तरह का पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं और मोदी केयर उसमें क्या रोल प्ले करने वाला है. सो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग 22,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है. दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दैट हैपेंस इन इंडिया इन अ ईयर. एक साल का ये 22,000 करोड़ का लगभग इंडस्ट्री है. और अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो ये होना चाहिए लगभग 2.5 लाख करोड़. सो जस्ट इमेजिन कि हम वी आर 1/12 ऑफ व्हाट वी शुड बी एज एन इंडस्ट्री. तो जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को तो जी अभी बहुत साल हो गए हैं, पता नहीं ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा नहीं होगा, उनको मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में अभी सिर्फ शुरू हुई है. दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. अभी तो मतलब बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ है. तो अब रियल फन, रियल एक्साइटमेंट तो डायरेक्ट सेलिंग में अब आएगी. जो अगले 5 से 7 साल होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इंडिया में, दिस द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी. इंडिया इज टुडे रैंक्ड 11th. आज से लगभग 3 साल पहले इंडिया की रैंकिंग होती थी 20th. So we've already taken a leap of 9 ranks. Second myth, जो you know आम तौर पर सुनने को मिलता है, वो ये होता है कि जो ये देखिए जी developing countries होती हैं, विकासशील देश होते हैं, उन्हीं में direct selling industry पनपती है. जो विकसित देश होते हैं, developed countries होती हैं, वहाँ पे direct selling का इतना प्रचलन नहीं है. तो मैं आपको बता दूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जो direct selling market है, that is United States of America, USA, which is the world's most developed country. और जो टॉप 10 में कंट्रीज आती हैं उनमें जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ऐसी कंट्रीज के नाम है, विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ अश्योरेंस दैट जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है, और हमारी कंट्री बड़े स्पीड से डेवलप कर रही है, जिस रफ्तार से कंट्रीज डेवलप करती हैं उसी हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग भी प्रोग्रेस करती है. सो आई थिंक एवरीबडी शुड बी रियली गिविंग ऑल देयर एनर्जी इनटू दिस इंडस्ट्री. जो लोग भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, I think this is the time for you to accelerate momentum rather than worry. Teesra myth jo hamari industry ka aam taur par sunne ko milta hai, to ye to ji aadmiyon ki industry hai, isme to ji aadmi log zyada nazar aate hain, it is a male dominated industry. Absolutely wrong. 75% of the direct sellers across the world are actually women. औरतें, लड़कियां, ये 75% हमारे टोटल डायरेक्ट सेलर पॉपुलेशन, जो दुनिया भर की डायरेक्ट सेलर पॉपुलेशन है, उसका 75% डायरेक्ट सेलर्स हमारी लेडीज हैं, विच इज अगेन फैंटास्टिक. नाउ ये आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि हिंदुस्तान में अगर इस वक्त 60 से 65% डायरेक्ट सेलर्स आदमी हैं, विच मीन्स दैट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैजंट रियली फुली बीन अडॉप्टेड बाय वेमेन. अभी तक लेडीज ठीक तरह से इस बिजनेस में आई नहीं है. और जब ये होगा, आई थिंक द रियल रेवोल्यूशन विल हैपन देन. मुझे ये लगता है कि जब औरत और आदमी मिल के काम करते हैं, देन देर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन योर इनकम. और ये हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स मोदी केयर में ऐसे हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, बहन भाई मिलके काम करते हैं, माँ बेटा मिलके काम करते हैं, या बाप बेटी मिलके काम करते हैं, तो उनके चेक्स मल्टीप्लाई करते हैं. सो आई थिंक यू नीड टू गेट द वेमेन ऑफ द हाउस इन टू दिस बिजनेस एंड गिव देम, गेट देम एक्साइटेड अबाउट दिस इंडस्ट्री, बिकॉज दैट इज वेन रियल मैजिक विल हैपन इन योर इनकम्स. और सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने, सुरेखा जी आप खुद सबसे बड़ी एग्जाम्पल हैं. आप और अरुण जी का कॉम्बिनेशन वॉज अ विनर कॉम्बिनेशन. आपका और निशांत का कॉम्बिनेशन इज अ विनर कॉम्बिनेशन. लुक एट द मैजिक यू बोथ आर क्रिएटिंग टूगेदर. सो वुमेन पावर, आई थिंक दैट इसके सबसे बड़ी टेस्टिमनी तो सुरेखा जी आप खुद ही हैं. एंड लुक एट इट नाउ, यू नो, वन ऑफ इंडियाज यू नो बिगेस्ट अर्नर्स, आई थिंक यू मस्ट बी द बिगेस्ट अर्नर इन द कंट्री टूडे. And you are a woman. I mean, this is a great testimony to what I'm saying. So, jis din aurtein, ladkiyan, hamari behne, hamari maaye, jab is business ko adopt karengi, direct selling industry ko passion se, shiddat se karna shuru karengi, that is when the real revolution in this industry is going to begin. So, dil tham ke baithiye, because that is really beginning to happen. Aur main Modi Care ke baare mein aapko bata dun ki aaj hamare 50% se zyada direct sellers, jo consultants hai, wo ladies hai. Which is fantastic. So, हमारी जो number of women who work with Modi Care is far higher than most of the companies in this industry. सबसे अहम बात यह है कि direct selling एक recession proof industry है, और इसके बहुत सारे examples हैं.
अगर आप देखें, जब भी कोई आपदा आई है या जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है, चाहे इंडिया में चाहे दुनिया के किसी भी देश में, डायरेक्ट सेलिंग हैज ऑलवेज एक्सिलरेटेड। तो जब भी इस तरह का स्लोडाउन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरती है। अभी कल ही मुझे कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट इट्स हाईएस्ट इन द लास्ट 45 ईयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब ऐसा होता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और उफान आता है। सो दिस इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। आमतौर पर आपको डायरेक्ट सेलिंग, आपको किसी भी एम्प्लॉयमेंट, जो भी अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आपको साल में एक इंक्रीमेंट मिलता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर महीना इंक्रीमेंट ले सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ, हाउ मच यू ड्राइव योर सेल्फ। जितना आप ड्राइव करेंगे, जितना आगे दम लगाएंगे, उसी हिसाब से आपका चेक बढ़ेगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव विद द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्लोबली क्या कैटेगरी स्प्लिट होता है। तो आप देखेंगे कि लगभग 74% बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वेलनेस से आता है, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट से आता है। 11% कॉस्मेटिक से आता है। हाउस होल्ड गुड्स करीब 7-8% के आसपास होते हैं। फूड एंड बेवरेजेस 3-3.5% होते हैं। होम केयर 2% एंड अदर्स 2-2.5% होते हैं। लेकिन मोदी केयर इन सबसे अलग है। मोदी केयर में हम वेलनेस में करते हैं लगभग 30% बिजनेस। फूड एंड बेवरेजेस यानी रोजमर्रा के आपके जरूरत के सामान जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 25% ऑफ आर बिजनेस। कॉस्मेटिक्स इज अबाउट 6-7% ऑफ आर बिजनेस। पर्सनल केयर इज अगेन अनदर 25-27% ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्ले है, मोदी केयर की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कंज्यूमर को जरूरत होती है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। आमतौर पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कंपनीज मिलेंगी जो या तो वेलनेस पे फोकस, ज्यादातर कंपनीज वेलनेस पे फोकस्ड होती हैं, या कॉस्मेटिक्स पे फोकस्ड होंगी, या प्लास्टिक कंटेनर्स जैसे प्रोडक्ट्स पे फोकस्ड होंगी। मोदी केयर में हम ये बिलीव करते हैं कि आप, समीर जी का ये कहना है, उनकी फिलोसफी है कि सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए वो मोदी केयर आपको मुहैया कराएगा। सो दिस इज हाउ मोदी केयर इज डिफरेंट, एंड दिस इज हाउ योर बिजनेस इज मोदी केयर इज इवन मोर सिक्योर देन एनी अदर कंपनी। आपको एक बार जरा ये चित्र दिखा देते हैं मोदी केयर का, आज का जो स्केल है आपकी कंपनी, एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल मोदी केयर शुड, मोदी केयरियन शुड बी प्राउड ऑफ, हमारे साइज को दर्शाता है। आज हमारे पास 6 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स हैं, और 5,000 शहरों में मोदी केयर की कवरेज पहुंच चुकी है। 18,000 पिन कोड्स हम सर्विस करते हैं, जो लगभग उतने ही पिन कोड्स हैं जितने अमेजोन या और भी कोई बड़ी डेवलप्ड ई कॉमर्स कंपनी सर्विस करती है। 14,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। 105 मैन्युफैक्चरर्स, 105 फैक्ट्रीज में आज मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बनते हैं। 56 ऑफिस और ब्रांचेस मोदी केयर की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपके लिए हम अवेलेबल करा चुके हैं, और आने वाले टाइम में बहुत रफ्तार से हम आपको और ऑफिस और ब्रांचेस देंगे। सो जस्ट गेट रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट। दिस इज ओनली द ट्रेलर। अभी तक जो आपने मोदी केयर में देखा है, ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है, दिस इज ओनली द ट्रेलर। पिक्चर तो अभी पूरी की पूरी बाकी है। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट ऑल वी हैव फॉर यू। अगर हम सर्टिफिकेशंस बताएं, हमारी एक्रेडिटेशंस बताएं, तो दिस इज अगेन समथिंग दैट फिल्स माय हार्ट विद जॉय। मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि आपकी कंपनी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, फूड एंड बेवरेजेस में, आयुर्वेदिक कैटेगरी में, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करती है। ISO 22000, ISO 2000, 9001, 2001, 2015, GMP सर्टिफिकेशंस, कॉस्मेटिक्स GMP, इट आप यू नेम इट, वी हैव गॉट ऑल सर्टिफिकेशंस। प्रोडक्ट्स विल नेवर लेट यू डाउन। मोदी केयर की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, हमारी प्राइसिंग। सो दैट वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। सो दिस शुड गिव यू दैट एश्योरेंस। ग्रेट प्लेस टू वर्क। आई थिंक आप लोग सब जानते हैं कि मोदी केयर इज आई थिंक द ओनली कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग विच फीचर्स इन ग्रेट प्लेस टू वर्क इन टॉप 100। हमारी रैंकिंग लगातार 3 साल 5वीं थी, 5th रैंक अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, नॉट डायरेक्ट सेलिंग, अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। सो हैट्रिक मारा है हमने, और एशिया की बेस्ट वर्क प्लेसेस के अंदर वी आर विद इन द फर्स्ट 30, टॉप 30 कंपनीज इन एशिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, एंड समथिंग दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ इज द फैक्ट दैट वी आर इन द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क फॉर वेमेन। वी आर इन द टॉप 10 इन द कंट्री। तो ये अपनी बहनों को, माताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि दिस इज द सेफेस्ट कंपनी फॉर यू। दिस इज, आपको मोदी केयर में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू ज्वाइन दिस कंपनी, यू ज्वाइन विद, वी विल वेलकम यू विद 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 फोल्डेड हैंड्स, एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू।
वी आर द बेस्ट वर्क प्लेस फॉर वेमेन इंडियाज टॉप 10। अब बात करते हैं हमारी आगे आने वाली तैयारी की। सो आई एम श्योर यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू नो कि अभी मोदी जी ने आगे आप लोगों के लिए क्या प्लान करके रखा है। तो हमारा ये मानना है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में, सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए नहीं बट एनी बिजनेस दैट यू आर इन्वॉल्व विद। सो आपके लिए हमने एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तैयारी की है। देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ न्यूज दैट यू विल हियर, इसके बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जैसे मोदी केयर अपना एक मेटावर्स बना रहा है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। हमारी रोड टू फ्रीडम ऐप आप देख चुके हैं, रोड टू फ्रीडम ऐप एक अपने आप में एक सुपर ऐप होगी। इसके अंदर आप सब कुछ कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाएंगे, अपने गोल्स को ट्रैक कर पाएंगे, अपनी टीम्स को ट्रैक कर पाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। माय मोदी केयर शॉप जो हमारी ऑनलाइन शॉप हमने आपको बना के दिए, पूरे 60 लाख लोग जो भी आज मोदी केयर में ज्वाइन करता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी केयर एक ऑनलाइन शॉप बना के देती है। सो दैट उसके अंदर हम बहुत सारी एनहांसमेंट्स लेके आने वाले हैं। सो यू विल सी दैट हमने जो आप लोगों के लिए तैयारी की हुई है, इट्स गोइंग टू एक्सेलरेट योर मोमेंटम इवन मोर। हमेशा आपके साथ मोदी केयर खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, और ये इसकी मैं कुछ आपको उदाहरण देने वाला हूं। 2018 में केरला में फ्लड्स आए थे, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड, डेवास्टेटिंग फ्लड्स थे, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। ऐसे टाइम में आपकी कंपनी मोदी केयर ने हमारे कंसल्टेंट्स का हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला कि आप अपने परिवार को संभालिए, आपके चेक को संभालना हमारी जिम्मेवारी होगी। 9th ऑफ द नेक्स्ट मंथ उनको पिछले 3 महीने की एवरेज का चेक मोदी केयर ने अपनी तरफ से दिया था। दैट इज आई थिंक समथिंग दैट ओनली मोदी केयर कैन डू। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, समीर जी जैसा दिल चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट इज वन ऑफ आवर की स्ट्रेंथ्स। 2019 में एक बार फिर ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर में, जब 370 एब्रोगेशन हुआ, उस टाइम पर भी सड़क बंद थी, नेटवर्क्स बंद थे, लोग ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, और हमने फिर अपने कंसल्टेंट्स को ये अश्योरेंस दिया कि जब तक इंटरनेट अप नहीं होगा, जब तक रोड नहीं खुलेगी, आप चिंता मत कीजिए, घर में रहिए, अपने आप को संभालिए, आपके चेक को हम संभालेंगे। और 9 तारीख को फिर यही हुआ, उनको उसका उनका चेक उसी वक्त दिया गया। इसी तरीके से 2020 में वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, कोविड आया और 9 अप्रैल आप लोगों को सबको याद होगा, 9 अप्रैल लॉकडाउन के बीचों बीच मोदी केयर ने सारा ट्रैवल फंड, सारा कार फंड, सब कुछ हमारे कंसल्टेंट्स का रिलीज किया। ऐसे वक्त में जब हर कंपनी अपने कैश को बचा रही थी, मोदी केयर आपका कैश आप तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। सिर पे डंडे खा के हमारे लोग आपके डब्बे पहुंचा रहे थे, जब कोई भी कंपनी वेयरहाउस खोल के बैठी नहीं थी। अमेजॉन से पहले हिंदुस्तान में एक कंपनी ने अपने वेयरहाउसेस खोले थे, उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। दैट इज What we come with, that is what Modi Care stands for. ये है आपकी सबसे बड़ी ताकत जिसे आपको realize करना है। इसी तरीके से पिछले साल फिर मणिपुर में riots हुए, फिर यही हुआ, 9 तारीख को उनका check उन तक पहुंचा, चाहे उन्होंने अपना personal order किया भी है या नहीं किया है, लेकिन उनका average check हमारे consultants का उन तक पहुंचा। This is the power of Modi Care. This is what we stand for, and we will always stand with you. The last 28 years हमारी ये history रही है कि हमेशा अपने consultants के साथ खड़े रहे हैं, कभी उनके साथ गलत नहीं होने दिया है, और अगले 500 साल 1000 साल तक I can assure you this is going to be the philosophy of Modicare। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने शायद Modicare business अभी शुरू किया है या business शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद हमें सुन रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जब आप किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं, आपका ट्रैक चेंज करते हैं, तो क्या होता है, आपको एक घर्षण फील होता है, एक फ्रिक्शन फील होता है जब आपका ट्रैक बदलता है। तो जब भी आप जो कर रहे हैं इस वक्त, जब उस ट्रैक को बदलेंगे, देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी सम फ्रिक्शन, कुछ तरह किसी तरह की घर्षण आएगी। आपके पर्सनल लेवल पर कुछ घर्षण आ सकती है, प्रोफेशनल लेवल पर कुछ घर्षण आ सकती है। द रियल टेस्ट फॉर यू इज गोइंग टू बी दैट अगर उस घर्षण को, उस फ्रिक्शन को आप टैकल कर पाए, then you're not going to look back ever. उसके बाद आपकी गाड़ी सही मायने में पटरी पर आ जाएगी। और ये घर्षण क्या होती है, तो मैं इसको घर्षण को थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई लेडी है जो इस बिजनेस को शुरू करती है, तो आपके लिए घर्षण क्या हुई कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो पहले महीने का चेक ऑब्वियसली आपको हजारों और लाखों रुपए का चेक नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपका 200-300 रुपए का चेक आया, दूसरे महीने फिर आपका 500-700 रुपए का चेक आया, तीसरे महीने 1000-1200 रुपए का चेक आया। जब इस तरह का चेक्स आप देखते हैं, तो आपकी फैमिली में कुछ लोग होते हैं, हो सकता है कुछ लोग के हस्बैंड्स होते हैं, बोलते हैं भाई अब तुम ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तुम मुझसे पॉकेट मनी ले लो, अपना वक्त मत बर्बाद करो।
इस घर्षण को अगर आप काउंटर कर पाए, इस रेजिस्टेंस को अगर आप प्रिवेंट कर पाए, देन यू हैव नो लुकिंग बैक। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, सबकी लाइफ में पहले 6 महीने में, साल भर में इस तरह का घर्षण, इस तरह की फ्रिक्शन जरूर आई होगी। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कीप इन माइंड, इस तरह का घर्षण। और ये सिर्फ औरतों को नहीं होगा, ये आदमियों को भी होगा। देयर आर मेन हु डोंट टेल पीपल, उनके अपनी वाइफ्स को नहीं बताते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। 6 महीने 8 महीने बाद बताते हैं जब चेक किसी लेवल पे पहुंच जाता है कि भाई देखो मैं ये बिजनेस शुरू किया है और अच्छा खासा अपने कमाने लगा। तो इसको आप, घर्षण को आप टैकल करें एंड देन यू विल हैव नो लुकिंग बैक। सो इसके बारे में हम डिटेल में कभी बाद में बात कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गो फॉरवर्ड। आई एम श्योर चाय आप लोग सब पीते हैं, डिप वाली चाय पीते ही हैं। तो आप बताइए कि क्या अगर आप ठंडे पानी के अंदर ये टी बैग को डालेंगे तो उसका रंग छूटता है? नहीं छूटता है, राइट? रंग तभी आएगा जब पानी गर्म होगा, और जितना गर्म होगा उतना ज्यादा इसके अंदर रंग आएगा, राइट? दूसरा सवाल, इस टी बैग को आप प्याले में लेफ्ट में डालें, राइट में डालें, ऊपर की तरह सतह के नीचे रखें या एकदम बेस पर रखें, उससे कोई फर्क पड़ता है? जाहिर सी बात है नहीं। कहीं पे भी प्याले में डालेंगे तो उसका रंग आएगा ही आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप अपने आप को कि आप माहौल को नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने आसपास के माहौल को गर्म नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, जब तक इसके अंदर ठीक से घुसेंगे नहीं, पूरे पैशन से इसको नहीं करेंगे, तब तक आपके बिजनेस में रंग आने वाला नहीं है। तो या तो इसको खोलते हुए पानी में घुसिए, कूदिए, या इससे बाहर रहिए। सो इफ यू डिसाइडेड टू मेक योर करियर विद मोदी केयर, तो पूरी शिद्दत से लग जाइए, अच्छे से घुस जाइए। और जो दूसरी बात मैंने आपको बोली थी, उसका मतलब यह है कि आपका जो राइजिंग स्टार है, आपका जो टी बैग है आपके बिजनेस का, वो कहीं भी हो सकता है। वो आपके दूसरे लेवल पे हो सकता है, तीसरे लेवल पे हो सकता है, आपके इमीडिएट डाउनलाइन हो सकता है। सो उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए। सो आई थिंक दैट इज अ लीडरशिप लेसन फॉर यू इन दिस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, पिछले 50 साल की हिस्ट्री की बात करें, तो इट इज ट्रांजिशनिंग वेरी वेरी सॉलिडली। आप देखेंगे 50 साल पहले घर घर जाके सामान बेचा जाता था, फिर वो एक दौर आया कि फोन आ गया, तो उसके बाद फोन और डोर टू डोर वाला कॉम्बिनेशन चलने लगा। 5-7 साल पहले जब व्हाट्सएप फेसबुक ने मोमेंटम पकड़ा, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस स्टार्टेड हैपनिंग थ्रू व्हाट्सएप, यू नो, फेसबुक एंड सो ऑन। कोविड में हमने देखा कि घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, हमारे लीडर्स घर पे बैठे बैठे लाखों के चेक कमा रहे थे। दिस इज ऑल पॉसिबल एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच द इंडस्ट्री इज हेडेड। तो आगे आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू बी, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट डिजिटल। अब अगर हम बिजनेस मॉडल्स की बात करें, तो आप देखेंगे इस स्लाइड से आपको नजर आ रहा है कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी एक सिंगल लेवल प्लान से, सिंगल लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग होती थी। उसके बाद आया मल्टी जनरेशनल प्लान एंड साथ में आया बाइनरी प्लान। आप देखेंगे कि बाइनरी प्लान आए हैं और गए हैं, आते रहे हैं और जाते रहे अलग अलग दौर में, लेकिन एक जनरेशनल प्लान ही ऐसा है जो हमेशा से इट इज बेसिकली ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, एंड द फ्यूचर रियली बिलोंग्स टू जनरेशनल प्लान ओनली। सो ये मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो बाइनरी कंपनीज की तरफ देख के शायद भटक जाते हैं, लेकिन मेरे पास में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं ऑफ पीपल हु मूव फ्रॉम जनरेशनल प्लान टू बाइनरी कंपनीज एंड दे हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, और उसके बाद वो ना यहाँ के रहे हैं ना वहां के रहे। अगर आपको अपना जनरेशनल बिजनेस बिल्ड करना है, अगर आपको आने वाली पुश्तों के लिए सिक्योरिटी बिल्ड करनी है, तो राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू इज टू बी विद अ जनरेशनल प्लान कंपनी लाइक मोदी केयर। दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अगर हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू टच 12 लाख करोड़ बाय 2026। तो हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा कॉम्पिटिशन सही मायने में नहीं, ना हमसे कोई प्राइस में कम्पीट कर सकता है, ना हमसे कोई प्रोडक्ट में कम्पीट कर सकता है, ना हमसे कोई प्लान में कम्पीट कर सकता है। देर इज नो कंपेरिजन एज फार एज मोदी केयर इज कंसर्न इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमारा जो सही मायने में कॉम्पिटिशन है वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री से। और मेरा ये मानना है कि आपके पास एक ऐसी ताकत है, डायरेक्ट सेलर्स के पास एक ऐसी ताकत है, हमारे मोदी केयरियंस के पास एक ऐसी ताकत है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पास नहीं है। और क्या है ये ताकत? ये ताकत है आप खुद, यानी हमारे एम्बेसडर। आप जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो आप अपने
कस्टमर को ये अश्योरेंस देते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है, उसकी आंखों में आंखें डाल के ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूं, आप भी करो, अगर पसंद ना आ जाए तो आप मुझे वापस कर दो। इसे बोलते हैं एडवोकेसी, और ये एडवोकेसी ई कॉमर्स के पास नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करें जिसमें आपके कस्टमर को एक्सपीरियंस तो मिले ई कॉमर्स का और उसको अश्योरेंस मिले एक मोदी केयर इन डायरेक्ट सेलर की, तो ये कितना पावरफुल पैकेज बन के तैयार होगा। जस्ट इमेजिन व्हेन दिस हैपेंस देयर इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन योर चेक। उस दिन आपके चेक 10 गुना मल्टीप्लाई करने वाले। सो इसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे आपको एक ऐसा ई कॉमर्स टाइप का एक्सपीरियंस आपके कस्टमर्स को हम दे पाए और उसके साथ में आपका एडवोकेसी का जो पावर है वो उसको राइड करे, एंड द कॉम्बिनेशन विल बी एब्सोल्युटली लीथल। तो अब चार चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं एज अ कंपनी, और हमारी लीडरशिप इस पे फोकस कर रही है। और ये चार चीजें क्या हैं? नंबर वन, ऑनलाइन सोशल सेलिंग को बिल्ड करना है हमें अपनी ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना है। ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं कि जाके अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे बेचने लग जाना है, नहीं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो भी कंसल्टेंट्स हमारे जाते हैं अगर गलती से भी चले जाते हैं तो हम एक ही एक्शन लेते हैं, सिंपल टर्मिनेट करते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस ऑन दैट। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोदी केयर की वेबसाइट पे आपका अपना ई कॉमर्स बिजनेस। जो भी आज मोदी केयर ज्वाइन करता है उसके लिए मोदी केयर एक ऑनलाइन शॉप खोल के देती है उनके नाम से, और मैं उस शॉप की बात कर रहा हूं। नंबर टू, फोकस ऑन कोर प्रोडक्ट्स। आई पर्सनली बिलीव कि हमारे पास में 850 प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको मिलियनेयर बनने के लिए 850 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको 20 से 25 प्रोडक्ट्स का एक्सपर्ट बनना है एंड यू कैन बी अ मिलियनेयर। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। सो वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस, आगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। डिस्ट्रीब्यूशन को बूस्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन इज द किंग। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को पहुंचा देते हैं, प्रोडक्ट को जगह जगह पहुंचा देते हैं, दैट इज व्हेन रियल ग्रोथ हैपेंस। तो इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, उसको हमें बहुत बड़ा बनाना है, उसको अपने बिजनेस की आधारशिला बनाना है। तो दिस इज रियली द फोकस, एंड हमारे हिसाब से दिस इज द रोड टू 5,000 करोड़। हमारी जो 5,000 करोड़ की जो विजन है समीर जी की, इस कंपनी को लेके जाना है, दैट इज गोइंग टू बी अचीव्ड बाय फोकसिंग ऑन दीज फोर। माई मोदी केयर शॉप के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि हर मोदी केयर इन के पास आज उनकी माई मोदी केयर शॉप है, अपनी ऑनलाइन शॉप है जो आपके नाम से आप प्रमोट कर सकते हैं। इस शॉप को, अपनी इस दुकान को जम के प्रमोट करिए, और आने वाले टाइम में हम इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी देने वाले। यानी अगर आपने एक कस्टमर को कोई सामान कभी बेचा उस ऑनलाइन शॉप के जरिए, तो वो ऑनलाइन शॉप अगली बार उसको मैसेजेस भेजेगी, नोटिफिकेशंस भेजेगी। अगर आपके पास मल्टीविटामिन खत्म हो गया होगा तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेट करेगा, आपके बाइंग पैटर्न को समझेगा, और उसके हिसाब से आपको वो पुश करेगा कि आपका टाइम हो गया, अब आपको अगला मल्टीविटामिन लेना है, या आपको कैल्शियम खरीदना है, आपका नोनी जूस अब खत्म होने वाला होगा उसको लीजिए, वगैरह वगैरह। सो दिस इज गोइंग टू बी आर नेक्स्ट मूव ऑन माय मोदी केयर शॉप। लेकिन इस वक्त आपको ये माय मोदी केयर शॉप की नेट प्रैक्टिस शुरू करनी है, यानी इसकी तैयारी शुरू कर लीजिए, बिकॉज ये इस बिजनेस का फ्यूचर है। आने वाले टाइम में आपका 80-90% बिजनेस माय मोदी केयर शॉप से होने वाला है, तो इसकी आपको तैयारी करनी है। मोदी केयर की रोड टू फ्रीडम ऐप के बारे में आप सब जानते हैं, ये एक ऐसी सुपर ऐप है जिसके अंदर आप आने वाले टाइम में सब कुछ कर पाएंगे। ना सिर्फ आप इसमें अपना इनकम सिमुलेट कर पाएंगे, बल्कि आप शॉपिंग भी कर पाएंगे, और वो तमाम चीजें जो आप ऑनलाइन शॉप से, माय मोदी के शॉप से कर रहे हैं, वो माय मोदी के शॉप का फीचर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑल इन वन ऐप इन द फ्यूचर। अगले 4 से 5 महीने में ये एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। रोड टू फ्रीडम के जरिए आपको हमने दिया है एक सेक्रेटरी और एक अपलाइन। हालांकि आपके पास जो रियल अपलाइन है वो तो है ही है, वो तो आपको हमेशा गाइड करेंगे, लेकिन उनकी एब्सेंस में आपको ये डिजिटल अपलाइन दे रहे हैं जो आपको ये सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा कि अभी आपको आगे क्या करना है बेस्ड ऑन योर मिशन। तो आप इसमें अपना गोल सेट करेंगे, मान लीजिए आप बोलते हैं 1,00,000 रुपए की इनकम तक मुझे पहुंचना है, तो ये ऐप आपको बना के देगा आपका प्लान एज एन अपलाइन कि आपको 1,00,000 रुपए कमाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, और आपका सेक्रेटरी उसको आपको ट्रैक करके देगा। यानी रोड टू फ्रीडम एज अ सेक्रेटरी आपको ये ट्रैक करके देगा कि आपको ये
इस प्लान को मीट करने के लिए अब आपने जो ये सब बनाया है, ये आपको कब कब कैसे कैसे करना है, और अगर आपने आपको मीटिंग्स रिमाइंड करेगा और जो मीटिंग आप स्किप कर रहे हैं आपको बताएगा कि आप स्किप कर चुके हैं, सो ऑन एंड सो। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसी चीज की झलकी जो इस इंडस्ट्री में इस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं है, और हम इसको तैयार करके बैठे हैं, और अगले 2 हफ्ते में इट इज गोइंग टू बी देयर एट योर लाइफस्टाइल सेंटर नियर यू। ये है मोदी केयर का मोदी वर्स, यानी हमारा अपना मेटावर्स। सो इमेजिन करिए कि आप किसी को मोदी केयर के लाइफस्टाइल सेंटर में लेके आते हैं और हम उसको एक चश्मा पहनाते हैं, उस चश्मे के थ्रू वो मोदी केयर की इस जर्नी के थ्रू जाता है, यानी वो इस उनको नजर आता है एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग, मोदी केयर का ऑफिस नजर आता है, उसके अंदर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिसेप्शन एरिया है, वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट है, उनकी वेट कर रही है, उनके उनको गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलती हैं, बोलते हैं सर आप क्या करना चाहेंगे, वुड यू वांट टू प्लेस अ विश, तो आप एक मौली बांधते हैं पेड़ पे, सोचिए दिस ऑल हैपनिंग डिजिटली, आपके चश्मे के द्वारा ये सब हो रहा है, आप उस पे मौली बांधते हैं और अपनी विश करते हैं, विशिंग ट्री आपकी विश को एक्सेप्ट करता है, फिर वो लेडी आपसे पूछती है सर हमारे पास 4 हॉल्स हैं, आप कौन से हॉल में जाना चाहेंगे, आप टेस्टिमनी वाले हॉल में जाना चाहेंगे, आप ऑडिटोरियम में जाना चाहेंगे, आप प्रोडक्ट रूम में जाना चाहेंगे, या मोदी फैमिली की लेगेसी वाले रूम में जाना चाहेंगे। तो मान लीजिए आप चूज करते हैं कि मुझे मोदी फैमिली की लेगेसी वाले रूम में लेके चलिए, तो वहां आपको ये मोदी फैमिली की पूरी झलकी देगा, समीर जी के बारे में बताएगा, के मोदी जी के बारे में बताएगा, राय बहादुर जी के बारे में बताएगा, क्या क्या कंपनी की अचीवमेंट्स रही हैं, ग्रुप की अचीवमेंट्स रही हैं उसके बारे में बताएगा। मतलब इस हॉल में आपको मोदी फैमिली की पूरी स्टैचर के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। आप नेक्स्ट रूम में जाएंगे, एक ऑडिटोरियम होगा, वहां आप चूज करेंगे कि मुझे भाई समीर जी की एक प्रेजेंटेशन मीटिंग चाहिए, तो समीर जी की मीटिंग आपको सामने स्टेज पर प्ले की जाएगी। प्लान के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो प्लान की आपको प्रेजेंटेशन की जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑडिटोरियम वेयर यू विल बी द चीफ गेस्ट, आप एक चीफ गेस्ट होंगे इस ऑडिटोरियम। फिर आप बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट रूम में जाना है, तो प्रोडक्ट रूम में आपके सामने ये कैटेगरी खुल के आ जाएंगी, आप जो कैटेगरी चूज करेंगे उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स खुल जाएंगे, आप जो प्रोडक्ट चूज करेंगे उस प्रोडक्ट की डेमो, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको आपके सामने नजर आएंगी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। एंड देन फिर आप बोलते हैं कि मुझे हॉल ऑफ फेम में जाना है, टेस्टिमनी रूम में जाना है, तो उस टेस्टिमनी रूम में आप चूज करेंगे मुझे बिजनेसमैन की टेस्टिमनी चाहिए, मुझे हाउसवाइफ की टेस्टिमनी चाहिए, मुझे 9 to 5 जॉब वाले की टेस्टिमनी चाहिए। तो मान लीजिए आप बोलते हैं मुझे हाउसवाइफ की टेस्टिमनी चाहिए, तो वहां पे सुरेखा जी की फोटो आपको नजर आएगी, फोटो को क्लिक करेंगे एक बहुत बड़े से स्क्रीन पर उस बड़े से हॉल में आपको सुरेखा जी की टेस्टिमनी सुनने को मिलेगी। सो जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए कि आपने किसी को ये चश्मा पहनाया और उस चश्मे के थ्रू उस इंडिविजुअल ने ये डिसीजन लिया कि उसे मोदी केयर ज्वाइन करना है। दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये चश्मा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल सेंटर्स पे ही अवेलेबल नहीं होगा, ये लीडर्स के लिए भी अवेलेबल होगा, उसको ये ले सकते हैं, कंपनी से खरीद सकते हैं, व्हाटएवर एट द मार्केट प्राइस वी विल गिव इट टू देम, और इस सॉफ्टवेयर को हम उस पर लोड करके आप लोगों को देंगे, जिससे आप जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, किसी को मिलते हैं, तो यू कैन सिंपली यू नो इंस्टेड टेकिंग देम थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, सिंपली इस मोदीवर्स के थ्रू आप उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। जमाना अब बहुत चेंज हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास, इट इज नो मोर अबाउट जस्ट गोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना इज नॉट द थिंग नाउ, अब आपको सोल्यूशन सेल करनी है। आज का जो कस्टमर है वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, वो दिन रात सोशल मीडिया पर रहता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग करनी है। आपको अपने 20 से 25 प्रोडक्ट्स चूज करने हैं, उन 20-25 प्रोडक्ट्स का आपको एक्सपर्ट बनना है, उसके बारे में महारत हासिल करनी है। तो अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको मिलियनेयर बनने के लिए 800 प्रोडक्ट्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, आप उन 20-25 प्रोडक्ट्स के बारे में सारी नॉलेज हासिल कर लीजिए, उसके बाद नो वन कैन स्टॉप यू। आप आइडेंटिफाई कीजिए, फॉर एग्जांपल हमारे अलग अलग कैटेगरीज में आपको स्क्रीन पे अभी इस वक्त दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए विमेन्स हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमारी बड़ी लंबी चौड़ी रेंज हो गई है, आप विमेन्स हेल्थ के एक्सपर्ट बन जाइए, तो जाके विमेन्स हेल्थ प्रमोट करिए, सो सॉल्यूशन ऑफर करिए टुवर्ड्स विमेन हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, बोन हेल्थ, इम्यूनिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज द वे यू शुड बी सेलिंग टुडे। अब वो जमाने चले गए कि आप प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करते थे, अब आपको सॉल्यूशन प्रमोट करनी है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसकी सोल्यूशन, और एक होलिस्टिक सोल्यूशन, सोल्यूशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कस्टमर बार बार आपके पास आए। एंड दिस इज द न्यू वे ऑफ सेलिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसके बारे में आपको ट्रेनिंग लेनी है, एक्सपर्टीज हासिल करनी है।
अब मैं आपको कुछ हमारे अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बताना चाहता हूँ. आई एम श्योर यू नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सो हमने तूफान का तड़का तो इस वक्त चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स लाइनअप आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है, तो उसकी कुछ झलकी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा. मई में हमने एक नई लिपस्टिक लॉन्च की है, विच इज बेसिकली विद अ न्यू फॉर्मुलेशन, टू गुड टू बी मैट लिपस्टिक, और इसका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है. इस लिपस्टिक की खास बात यह है कि इसके अंदर जो ग्लाइड है, इट इज मच बेटर, इज गॉट बेटर हाइड्रेशन. जिस तरह की हाइड्रेशन एक मैट लिपस्टिक में होनी चाहिए, नहीं तो वो बड़े चैपी हो जाता है, बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स गॉट अ गुड ग्लाइड, इट्स एनरिच्ड विद आलमंड ऑयल, एंड द रिस्पॉन्स टू दिस लिपस्टिक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इसको प्रमोट कीजिए. आमतौर पर इस तरह की लिपस्टिक, इस क्वालिटी की लिपस्टिक, इंटरनेशनल स्तर की लिपस्टिक बाजार में 800-900 रुपए से कम की आपको नहीं मिलेगी, 1000 रुपए के आसपास आप लेके चलिए. लेकिन आपकी कंपनी मोदी केयर इसको बेच रही है मात्र 375 रुपीज डीपी, 375 रुपीज एमआरपी एंड 312 रुपीज डीपी, यानी एट द सेम प्राइस एट विच इससे पहले हम मैट लिपस्टिक बेचते. तो इसमें 15 शेड्स हैं, इट्स 100% वीगन, इट्स क्रूएल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. और ये मैं आपको बता दूं, शायद आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन आमतौर पर आपको कलर कॉस्मेटिक्स में खास तौर पर जो इंग्रेडिएंट्स काफी ब्रांड्स डालते हैं, दूसरे ब्रांड्स डालते हैं, मैं नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स इस वक्त कलर कॉस्मेटिक्स में नॉन वेजिटेरियन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जो जेलेटिन जिसको बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आता है. बट मोदी केयर में जो हमारे अर्बन कलर रेंज है, दिस इज 100% वीगन, 100% वीगन. सो दिस इज अ वेरी बिग सेलिंग स्टोरी फॉर यू. सो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अर्बन कलर में, दे 100% वीगन, और ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है. आप सोचिए, लोग लिपस्टिक लगा रहे हैं अपने दूसरे ब्रांड्स की, और वो लिपस्टिक नॉन वेजिटेरियन है और वो प्योर वेजिटेरियन है. जस्ट इमेजिन कितना बड़ा क्राइम है ये. And हमारी लिपस्टिक इज 100% वीगन, ऑल आर कलर कॉस्मेटिक्स आर 100% वीगन. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी, इस स्टोरी को आप इस्तेमाल कीजिए. अब देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कश्मीरी कावा, जो तैयार हो चुका है, गर्मा गर्म प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, रॉयल कश्मीरी कावा स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर. और ये हम आपको दे रहे हैं इसी महीने में, जून में यू विल गेट कश्मीरी कावा. सो दिल थाम के बैठिए, इसकी नेट प्रैक्टिस करिए. ये सर्दियों का प्रोडक्ट है, लेकिन गर्मियों में भी काफी इस्तेमाल होता है. कावा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो काफी रफ्तार से ग्रो कर रहा है, और ये कावा आम कावा नहीं है, दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम रियल सोर्स ऑफ कावा, विच इज कश्मीर. राइस ब्रैन ऑयल हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, हम सब जानते हैं, घर घर में राइस ब्रैन ऑयल जाता है. अब मैं आपको बताता हूँ कि राइस ब्रैन ऑयल, जो एग्जिस्टिंग राइस ब्रैन ऑयल है, इसमें 1350 ओरिजिनॉल है, 1350 ओरिजिनॉल. और अगर आपने इस वक्त टीवी में एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कंपनीज हैं जो ओरिजिनॉल के बारे में प्रमोशन कर रही है, यानी ओरिजिनॉल की स्टोरी इस वक्त बहुत ही रफ्तार पकड़ रही है. आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका राइस ब्रैन ऑयल इज नाउ गोइंग टू बी विद 1500 ओरिजिनॉल, यानी 15,000 ppm का राइस ब्रैन ऑयल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ट्रांस फैट फ्री, जीरो ट्रांस फैट, 1500 ओरिजिनॉल एंड ईयू स्टैंडर्ड्स मीट करता है ये. यानी अगर आमतौर पे आप बाजार में देखेंगे तो 1000 के आसपास के ओरिजिनॉल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी इससे 50% ज्यादा ओरिजिनॉल आपके सोल फ्लेवर्स एक्टिव राइस ब्रैन ऑयल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. तो जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट बेहतर हो गया है, उसके अंदर ओरिजिनॉल ज्यादा हो गया है, तो उसका दाम भी बढ़ना चाहिए 30-40 रुपए से, राइट. लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे. एग्जैक्टली सेम प्राइस पर, जिस प्राइस पर आज राइस ब्रैन ऑयल आप खरीदते हैं, उसी प्राइस पर आपको राइस ब्रैन ऑयल मच इंप्रूव्ड नए अवतार में आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, और इसी महीने लेके आ रहे हैं, जून के महीने में. सो गेट रेडी फॉर दिस वेरी वेरी बिग लॉन्च. अब आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर वॉशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर, और ये एक नई पैकेजिंग में, एक नए फॉर्मुलेशन के साथ, और भी एडवांस्ड इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन के साथ आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, अगेन इन मंथ ऑफ जून. इसकी खास बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा. तो ये अगेन, ये गर्मा गर्म प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी, और ये बहुत जल्दी आपके वेयर हाउसेस तक पहुंचने वाला. इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ. खास बात यह है कि हम, जैसा आप जानते हैं, एग्जिस्टिंग पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर के अंदर हम बोलते हैं 4 स्कूप आपको डालने पड़ते हैं,
4 टेबल स्पून आपको डालने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ 3 टेबल स्पून यानी 33% मोर इफेक्टिव, ये 33% ज्यादा इफेक्टिव है हमारे एग्जिस्टिंग वॉशमेट पॉपुलर से, यानी 33% की सेविंग है आपको हमारे नए वॉशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर में। तो 33% सेविंग दे रहे हैं, तो थोड़ा प्राइस ज्यादा होना चाहिए मेरे ख्याल से, 10% प्राइस हम बढ़ा सकते हैं लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे। तो अगेन वॉशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर नए फॉर्मुलेशन के साथ में 33% सेविंग के साथ में आपको हम दे रहे हैं सेम प्राइस पर। सो गेट रेडी फॉर दिस, ये प्रोडक्ट भी आपको जून के महीने में हम ला के दे रहे हैं। सॉफ्ट वॉश के अंदर हमें नई सर्टिफिकेशंस मिल गई हैं, अब ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 3-in-1 है ही है, आपको जानते ही हैं, ये नई पैकेजिंग में भी आपको जून से हम ला के दे रहे हैं। वेल कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस ड्रॉप्स, ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, आई थिंक इट्स द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, नोबडी एल्स आई थिंक हैज इट। जुलाई में ये प्रोडक्ट हम आपके लिए ला रहे हैं 60% बिजनेस वॉल्यूम में। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, स्लाइटली हायर प्राइस बिकॉज इसके बेनिफिट्स बहुत हैं और इसकी डिटेल्स हम आपको बाद में बताएंगे, बट दिल थाम के बैठिए इस प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग लॉन्च। A2 घी की काफी डिमांड थी, आमतौर पर 2,000-2,500 की रेंज में आपको A2 घी बाजार में मिलते हैं, A2 काउ घी। सो ये A2 काउ घी हम लेके आ रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में और बहुत ही एक्सक्लूसिव पैकेजिंग में। इसकी पैकेजिंग इज लाइक, मतलब यू विल लव इट, मुझे लगता है कि ये गिफ्टिंग में इस्तेमाल होने वाला है, इतनी जबरदस्त इसकी सोफिस्टिकेटेड पैकेजिंग डिजाइन की गई है। सो दिस इज कमिंग अगेन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आप लोग को सबको इंतजार थी, बहुत डिमांड आ रही थी, डाइट एंड डायबिटिक लोगों के लिए वाइट राइस, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जिनको डायबिटीज नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कमिंग टू यू इन ऑगस्ट। हमारा जो एग्जिस्टिंग राइस का पैक है वो शायद लगभग 950 रुपये के आसपास का है, तो ये अगेन आई थिंक 4.5 किलोज और 5 किलोज का पैक है, एंड दिस वी आर ब्रिंगिंग टू यू एट मच लेसर प्राइस देन आर एग्जिस्टिंग राइस। सो ये बासमती नहीं है लेकिन ये डाइट एंड डायबिटिक राइस है, सो इट इज गोइंग टू बी एट अ मच लेसर प्राइस हमारे एग्जिस्टिंग राइस से और भी कम दाम में। आमतौर पर लोग बोलेंगे इसका तो प्राइस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका प्राइस हम अपनी एग्जिस्टिंग बासमती राइस से भी कम रख रहे हैं, तो इसका एग्जैक्ट प्राइस हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे, बट दिल थाम के बैठिए ये लॉन्च आपके लिए आ रहा है अगस्त के महीने में। बियॉन्ड ब्लू में हमें एक सर्टिफिकेशन मिली है, 99.99% जर्म किल फॉर्मूला इन ओनली 90 सेकेंड। सो इसका क्लेम डाल के हम आपको नई पैकेजिंग में देंगे विद मोर इम्प्रूव्ड बियॉन्ड ब्लू, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू यू इन ऑगस्ट। ये एक और बड़ा लॉन्च है जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। नोनी आप लोग बहुत बेचते हैं, घर घर जाता है। अब मैं आपको अगर बताऊं कि इसी नोनी में अगर हम गोल्ड भस्म डालें, स्वर्ण भस्म डालें और उसको गोल्ड चार्ज करें और कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करें, फॉर्मुलेशन को और इम्प्रूव करें और बेहतर बनाएं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, और हाफ अ लीटर नोनी, आधा लीटर का नोनी का पैक With 60% business volume, 1350 MRP, 999 रुपए के DP में, अगर आपको gold charged और gold भस्म के साथ डाल के देंगे तो कैसा होगा? This product, revolutionary noni, is coming to you in the month of August. आमतौर पर अगर आप noni juice बाजार में देखेंगे, normal noni juice ही, gold वाला noni juice नहीं, normal noni juice अगर आप बाजार में देखेंगे तो 1,000-1,200-1,500 रुपए के आसपास होता है। यहां पर हम आपको दे रहे हैं गोल्ड भस्म वाला नोनी जूस एट दिस वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। सो गेट रेडी फॉर दिस। टूथपेस्ट अगेन, ये प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है और विदाउट फ्लोराइड, यानी आप बेहिचक अब टूथपेस्ट, मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट एक 6 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी ऑफरिंग from Modicare. So get ready for this also in August. नई श्लोका की पैकेजिंग, इसके बारे में आपको ऑलरेडी हम पहले शेयर कर चुके हैं, और नई एसेंशियल की पैकेजिंग। सो ऑल दिस इज लाइंड अप फॉर यू। डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता दूं आपको कि हमने मार्च के महीने में, एक्चुअली अप्रैल में 55 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोले थे, नए DPs खोले थे। तो आमतौर पर हम 55 से 70 के आसपास DPs हर महीने खोलते रहे हैं, लेकिन इस महीने में मई में
जो अभी महीना हमने क्लोज किया है, इसमें 424 नए डीपीस खोले गए हैं, 424, विच इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल नंबर ऑफ डीपीस। सो डीपी काउंट में एक्सप्लोजन हो रहा है, और साथ ही साथ होम शॉप का जो मॉडल हमने लॉन्च किया था, ये दोनों मिलके एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज आप लोगों के लिए तैयार हो गया है। इसको जरा कैपिटलाइज कीजिए, होम शॉप बिल्ड कीजिए, लोगों को होम शॉप्स खुलवाइए, बिकॉज उससे सही मायने में उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, कस्टमर को इमीडिएट सर्विसेबिलिटी मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारा नया डीपी फॉर्मेट है, उस डीपी फॉर्मेट को भी जितना आप वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कीजिए। सो दिस इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, आई थिंक इसको हमको बड़ा बनाना है। कैटलॉग्स, डेमो किट, दिस इज पार्ट, हैज टू बी पार्ट ऑफ अ मोदी केयरियंस लाइफ। आप के डेली जब आप घर से निकलते हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव एनफ कैटलॉग्स विद यू, मेक श्योर दैट यू हैव अ डेमो बैग विद यू। ये एक एक तरह से समझ लीजिए कि आपका आपका किट है, जो आपको हमेशा बिजनेस किट है, जो हमेशा आपको कैरी करना है। सो चार चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, प्रोडक्ट हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी प्रोडक्ट है। तो आपको ऐसे 20 से 25 प्रोडक्ट चूज करने हैं जिनके बारे में आपको महारत हासिल करनी है, एक्सपर्टीज लेनी है। सो दिस इज, ये प्रोडक्ट आप चूज करिए, आपको कोई बताएगा नहीं कि यही प्रोडक्ट होना चाहिए। आप चूज करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप राइस ब्रैन ऑयल भी चूज करना चाहते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, वो चूज करिए। 20 प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप एक्सपर्ट बनेंगे। कोई भी मीटिंग बिना प्रोडक्ट के बारे में बात किए हुए या बिना डेमो किए बिना आप क्लोज नहीं करेंगे। सो दिस इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू, मेरा पहला आपके लिए हिदायत है, एडवाइस है। दूसरा एडवाइस है कि आपके जो ऑनलाइन सोशल सेलिंग के टूल्स हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो माय मोदी केयर शॉप हो, चाहे वो रोड टू फ्रीडम हो, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। एज अ मोदी केयर एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। इसको एक्टिवेट करिए, इसको प्रमोट करिए। 5 से 8 MMS ऑर्डर आपके मंथ में आने ही चाहिए, तो फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए अपने मैसेजेस। सिर्फ ऐसे लिंक मत भेजिए, उसके साथ में कोई प्रोडक्ट की स्टोरी भेजिए, एक सॉल्यूशन भेजिए। जैसे मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए प्रोडक्ट के लिए, तो उस तरह की कोई सॉल्यूशन भेजिए। किसी लीडर को कोई वीडियो भेज दीजिए प्रोडक्ट के बारे में, जिससे आप थोड़ा हार्ड सेल कर पाए अपने प्रोपोजिशन को। तो इस माय मोदी केयर शॉप के लिंक को प्रमोट करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे छा जाइए, हर जगह मोदी केयरियंस दिखने चाहिए, हर जगह आपकी ऑनलाइन शॉप प्रमोट होनी चाहिए। दैट इज माय सेकंड एडवाइस टू यू, सेकंड रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। और तीसरी चीज, जो हमारे जितने भी टूल्स हैं उनको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना के रखिए। हमारी सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर की जो अकेडमी है, उसमें जाइए, सीखिए, सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, फिजिकल या डिजिटल। रोड टू फ्रीडम को ढंग से इस्तेमाल करिए, रोज उसको यूज करिए। कैटलॉग्स, डेमो बैग्स, SPBM मर्चेंडाइज, टी शर्ट्स, पेन्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए, कैप्स। दिस इज गोइंग टू मेक यू फील स्ट्रॉन्गर, इससे आपको आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी चीज बट बहुत जरूरी चीज, मोदी केयर में अगर आजादी हासिल करना चाहने का हमने निर्णय लिया है, हमने बोला है कि हमें मोदी केयर में आजादी चाहिए, तो अपना 100 PV और अपना होम शॉप शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि पहले महीने के पहले 3 दिन में, 1st to 3rd के बीच में ही आप अपना 100 PV कंप्लीट करें, अपना पर्सनल PV, और होम शॉप अपनी खोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी होम शॉप रख सकते हैं तो उससे आपके बिजनेस को बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये चार चीजें अगर हम करेंगे, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 ऑनलाइन सोशल सेलिंग, नंबर 3 टूल्स, एंड नंबर 4 my own personal volume, 100 ppv and home shop, then nobody can stop you. दोस्तों, ये बहुत ही critical period है आपके मोदी केयर business के लिए, इस direct selling industry के लिए। This is a very critical period, और हमने आपके business में तड़का लगाने की पूरी तैयारी की हुई है, जो यहाँ से लेकर अगले साल डेढ़ साल तक अपने मोदी केयर business को ठीक से drive करेगा, शिद्दत से, passion से, पूरी कमिटमेंट से लगा रहेगा, उसका सक्सेस इतना बड़ा होने वाला है आने वाले वक्त में, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो दिस, लाइक आई सेड, इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत है, अभी हम सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं। अभी आगे आगे देखिए कि कितना बड़ा मैजिकल सर्ज आने वाला है हमारी इंडस्ट्री में, और इस सर्ज को, ये जो मैजिकल सर्ज है, ये जो वेव है, इसको राइड करना है आपको।
यही हम चाहेंगे, यही हम हर मोदी केयर से मोदी केरियन से अपेक्षा रखेंगे. सो लेट्स जस्ट गो एंड मेक इट हैपन. थैंक यू वेरी मच. एंड मैं सुरेखा जी, अगर आप तो अमेजिंग. सुरेखा जी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं यही कहूंगी सर कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनकम है लाखों करोड़ों रुपए की वो तो चना मूंगफली है. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग. और जो कुछ आपने आज 1 घंटे में सिखाया है, समझाया है, बताया है, वो 1 घंटा सर हमें दिख रहा है, पर उसके पीछे जो आप सबकी मेहनत है, जो हर एक डिपार्टमेंट अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिए जा रहा है, जो समीर मोदी जी के विजन के साथ अलाइन होकर के आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और कहते हैं ना तन मन धन आत्मा सब सबकी लग रही है, तो ये जाकर के पीछे का जो कुछ आपने दिखाया, आई एम सो एक्साइटेड फॉर प्रोडक्ट्स, आई एम सो एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग. एंड आपने सब कुछ हमें थाली में सजा करके दिया है. अब ये सिर्फ है कि हमें वो मेहनत करके अपने हिस्से का हमें उठाना है, इस बड़े से केक का बड़ा सा टुकड़ा अपने घर लेकर के जाना है. एंड आई एम श्योर सर जितने भी लोग आज इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, नींदें तो सबकी उड़ा दी हैं आपने. अब तो जब तक मतलब कहते हैं ना, जब तक 10 लाख रुपया महीना घर नहीं आ जाता तब तक किसी को चैन से बैठना नहीं चाहिए. कम से कम 10 लाख रुपया महीना तो ईच एंड एवरी मोदी कैरियन डिजर्व करता है. इससे छोटा तो सोचना भी पाप है. और जो भी आपने न केवल आपने बिग पिक्चर बताई सर, आपने जो आप लोग कर रहे हैं न केवल वो बताया, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक मोदी केयर कंसल्टेंट को क्या करना चाहिए, हमारे क्या बिहेवियर होने चाहिए, वो सब भी आपने बहुत क्लियरली बहुत क्रिस्प उसमें हमें एक्सप्लेन किया. एंड आई प्रोमिस, मैं पर्सनली प्रोमिस करती हूँ कि हर एक इस चीज पर और ज्यादा फोकस करूंगी. और जो जो कहते हैं ना, जो आप लोग हमारे लिए कर रहे हो उसको लीवरेज तभी मिलेगा, वो तभी लीवरेज होगा जब हम लोग भी जो हमारा पार्ट है वो हर कोई मैड एक्शन करेगा डेली, कहते ना मैसिव एक्शन डेली, हम उसके लिए तैयार हैं सर. एंड इट्स सो अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच. एज यूजुअल हमेशा की तरह आपने छोटे से सेशन में बहुत कुछ है जो एक साथ शेयर किया है और हमारे बहुत काम आने वाला है सर. बहुत वैल्यू एड हुई है, हम सब मोटिवेटेड है टू डू मोर एंड डू द राइट थिंग. थैंक यू सो वेरी मच सर. फैंटास्टिक. और मैं, आपने बोला कि वो सबकी नींदें खराब कर दी हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है. अब नींदें खराब हो गई है तो खुली आंखों से सपने देख लीजिए. और जो 10 लाख रुपए आप बोल रही हैं, इट इज वेरी अचीवेबल, बिकॉज अब सैकड़ों लोग कमा रहे हैं. तो आई एम श्योर एवरी हूएवर पुट्स इन विद पैशन और शिद्दत से लगेंगे, तो ये यही टाइम है व्हेन यू कैन रियली कैपिटलाइज ऑन द मोमेंटम. मैं आपको ये बताना भूल गया सुरेखा जी, कि हमारे पास श्रीलंका के पूल में इस वक्त 17-18 हजार लोग आ गए हैं. अमेजिंग ऑलरेडी, मतलब 1 महीना 10 दिन हुआ है. Amazing. और मैं तो बोलूंगा 1 ही महीना हुआ है. True, और 17-18 हजार लोग पूल में घुस गए हैं. तो मुझे लगता है कि वो वहां पे तो मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री हिलने वाली है श्रीलंका की. तो मुझे लगता है कि उनके तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री आ जाएंगे, भैया हो क्या रहा है. सर उनसे बोले स्टेडियम हमारे लिए बुक कर दें और हमसे मिलने आ जाएं. एकदम एकदम. और एक चीज शेयर करना चाहूंगी, पहले आप. हाँ जी. नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि आप महाराष्ट्र में पहुंच गई हैं, तो ये मैं जरूर महाराष्ट्र के हमारे मोदी केयरेंस को बताना चाहता हूँ कि ये शायद प्रोबेबली दिस इज गॉड सेंट कि आपका रिलोकेशन दिल्ली से मुंबई हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र इज इंडियाज नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट. Yes, हिंदुस्तान में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस होता है उसका 11% महाराष्ट्र में होता है. Wow, तो बिग. और मोदी केयर में हमारा बिजनेस लगभग 5% ऑल इंडिया का महाराष्ट्र से आता है. तो मुझे लगता है सिर्फ आपका वहाँ मूव करना और बड़े बड़े लीडर्स जो हमारे वहां पर हैं, अल्पेश जी, धीमन जी, आप लोग सब मिलके जब वहां पे मतलब ये लग जाएगा ट्रिपल इंजन वहां पर, मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है. So all eyes are on Maharashtra, and I'm sure there'll be magical surge. वहाँ पर बहुत बड़ी वेव उठने वाली है, मुझे नजर आ रहा है ऑलरेडी. हाल ही में मुंबई गया था, मैंने एनर्जी देखी है वहाँ पे जो आपने बिल्ड की है. सो फैंटास्टिक, कीप गोइंग लाइक दिस. एंड वी हैव लॉट्स, एंड अभी कुछ चीजें मैं शेयर कर पाया, कुछ चीजें मैं ऑब्वियसली शेयर नहीं कर सकता. ये ट्रेलर है और बहुत बड़ी पिक्चर समीर जी ने आप लोगों के लिए, सबके लिए तैयार की है. दिल थाम के बैठिए, इंतजार कीजिए और बहुत कुछ है. Let's just keep going. बिल्कुल सर, हमें पता है कटिंग, एक होता है कटिंग एज टूल्स, एक होता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक होता है कटिंग एज सोच. जो मोदी केयर की है ना, वो कटिंग एज सोच है और वो हर जगह हमें सबसे आगे रख रही है. तो हम तो इसी विश्वास के साथ और पूरे मतलब एक होता है उम्मीद कि चलो शायद हो जाएगा, एक होता है विश्वास कि भैया होगा ही, एक होती है आस्था कि हो गया है.
सर हम आस्था के साथ अपना बेसिक कर रहे हैं, बड़े काम हमें करने नहीं है, बड़े बड़े काम या तो ऊपर वाला कर रहा है या आप लोग संभाल रहे हो, छोटे छोटे काम है वो हम लगातार शिद्दत से पूरी निष्ठा के साथ दिल लगा करके कर रहे हैं, और हमें पता है हमारा भविष्य बहुत सुनहरा है। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक थैंक यू सो यू मच एंड फॉर ऑल द बेस्ट टू यू एंड एवरीबडी एल्स हुज लिसनिंग टू मी. थैंक यू वेरी मच एंड मिलेंगे बहुत जल्दी. शब्बक है. नमस्कार सर, थैंक यू सर।